बिहार में गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों की सूचना देने के लिए एक नया तंत्र विकसित किया जाएगा। अब वह तंत्र विकसित हो गया और आज से वह क्रियाशील भी हो गया। पुलिस विभाग के द्वारा इस संबंध में दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से पत्राचार किया गया। उसके उपरांत उन्होंने शॉर्ट कोड 14432 यानी 144 32, जैसे कि फेक करेंसी है, कहीं पर हथियार की तस्करी हो रही है, कहीं पर मानव तस्करी हो रही है, कोई गंभीर अपराध है, इसमें ड्रग का कारोबार हो रहा है, तो बहुत बड़े बड़े अपराध कर्मियों के संबंध में पब्लिक अपनी सूचनाएं इस पर दर्ज करा सकते। आप देख रहे हैं केवल सच। अधिकारी पल की गई अपराध और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा नया दूरभाष नंबर जारी किया गया है। गंभीर अपराधी के खिलाफ सूचना देने को लेकर 14432 को जारी किया गया है। यह नंबर पूरे बिहार में कार्यरत होगा। साथ ही बिहार से बाहर रहने वाले लोग भी बिहार से जुड़ी अपराधी घटना को सूचना इस दूरभाष पर दे सकते हैं। जानकारी देते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि यह दूरभाष संख्या 24 घंटा कार्यरत रहेगा। इसके लिए एक टीम गठित की गई है, साथ ही सटीक सूचना देने वाले के लिए इनाम की व्यवस्था भी रखी गई है। बिहार में गंभीर अपराध और अपराध पर लगाम लगाने को लेकर नया तंत्र विकसित किया गया है। आज से यह दूरभाष संख्या क्रियाशील हो गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय से नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। तीन सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण विषय और आम जनता की सहूलियत और अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बिहार पुलिस ने नया तरीका, नया टेलीफोन नंबर अब जारी कर दिया। जैसा कि मैंने पिछली प्रेस वार्ताओं में आपको बताया था कि शीघ्र ही बिहार में गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों की सूचना देने के लिए एक नया तंत्र विकसित किया जाएगा। अब वह तंत्र विकसित हो गया और आज से वह क्रियाशील भी हो गया। पुलिस विभाग के द्वारा इस संबंध में दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से पत्राचार किया गया। उसके उपरांत उन्होंने शॉर्ट कोड 14432 यानी 144 32 14432 इस नंबर को जारी कर दिया है। यह नंबर पूरे बिहार में कार्यरत होगा, किसी भी लैंडलाइन से, मोबाइल फोन से कार्यरत होगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि बिहार के बाहर भी जाकर के पूरे देश के लोग इस नंबर को एक्सेस कर सकें, तो वो परमिशन भी अब मिल गई है और अब पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने से 14432 को आप डायल कर सकते हैं। इसकी विशिष्टता ये रखी गई है कि 24 घंटे ये कार्यरत रहेगा। एक विशेष टीम का गठन इसके लिए किया गया है जो 24 घंटे इस फोन को अटेंड करने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों की विशिष्ट जानकारी ही उपलब्ध कराए आम जनता को, तो हम लोगों को इसमें फायदा होगा। जैसे कि फेक करेंसी है, कहीं पर हथियार की तस्करी हो रही है, कहीं पर मानव तस्करी हो रही है, कोई गंभीर अपराध है, इसमें ड्रग का कारोबार हो रहा है, तो बहुत बड़े बड़े अपराध कर्मियों के संबंध में पब्लिक अपनी सूचनाएं इस पर दर्ज करा सकते हैं। 14432 पर दी गई सूचनाएं हम लोग गोपनीय रखेंगे और अगर कोई व्यक्ति उस पर अपना इनाम भी पाना चाहते हैं तो बाद में उस नंबर पर डायल करके अपना नंबर बता सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, तो उनको उनकी उपलब्धि के हिसाब से उनको उचित रूप से पुरस्कार भी दिया जाएगा। मैं पुनः आप लोगों को अवगत कराता हूं और बताता हूं कि यह आपातकालीन नंबर नहीं है। इस पे किसी भी इमरजेंसी की सूचना न दें। इमरजेंसी की सूचना कहीं पर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया, उसके लिए 12 जो हमारा पहले से नंबर है उस पर आप डायल कर सकते हैं। उस पर इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल भी हमारे उपलब्ध हैं और घटना स्थल पर वो 112 की गाड़ियां वहां पहुंचती हैं। डायल 112 की गाड़ियां भी पहुंचती हैं और वहां पर आपको सुलभ जानकारी दी जा सकती है। इस नंबर पर साइबर अपराधियों की जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी 1930 हमारे पास में उपलब्ध है। साइबर की कंप्लेन हो, कोई भी साइबर से दिक्कत समस्या है, तो 1930 पर आप डायल कर सकते हैं। इसी तरह से शराब से संबंधित सूचना के लिए पहले से ही बिहार में मद निषेध विभाग के द्वारा टोल फ्री नंबर 15545 ऑलरेडी कार्यरत है, तो उसमें शराब से संबंधित सूचनाएं आप दे सकते हैं। ये नंबर भी टोल फ्री नंबर रहेगा
और इस नंबर पर गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों के बारे में सूचनाएं देख करके हम लोग आम जनता और पुलिस मिल करके अपराध और अपराध कर्मियों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए इस नंबर पर जो सूचनाएं प्राप्त होंगी उस पर यथोचित कार्रवाई करने के लिए भी हम लोगों ने विशेष टीम गठित की है। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी वो विशेष टीम कार्रवाई करेगी और उसके बाद में उसका वेरिफिकेशन करके जो भी पुलिस का तरीका है उसके उपरांत उन अपराध कर्मियों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस नए साल के आने के पहले ही हमने एक नई सौगात दी है। अब अपराध और अपराध कर्मियों की सूचना देना बहुत आसान हो गया है। इस नंबर पर 14432 पर आप अपनी सूचना दे सकते हैं।